नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम शेखावत स्टोन वाला 2022 से। आज फिर एक वीडियो में आपका स्वागत है और आपने सबने हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। आज एक बेसिक नॉलेज की जानकारी लेके आया हूं आपके सामने। कस्टमर फ्लोर के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि मार्बल वाइट लगाएं या कलर लगाएं। तो देखो, मेरा सजेशन ये होता है कि वाइट वाइट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लाइफ बहुत बढ़िया होती है इसकी और सदाबहार एक जैसा कलर रहता है। वास्तु के अनुसार भी शांति का प्रतीक माना जाता है वाइट कलर को। बेसिकली आज मैं मोरवर्ड वाइट के बारे में बात करूंगा। ये है वाइट मोरवर्ड मार्बल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि इसमें ग्रे और ग्रीन के टेक्सचर होते हैं, इससे भी बढ़िया वाइट आता है, पर ये नॉर्मल रेटों का वाइट है और इन क्रिस्टल की वजह से इसको मोरवर्ड कहा जाता है। जब लाइटिंग इफेक्ट में फ्लोरिंग पे लगता है तो ये क्रिस्टल बहुत बढ़िया शाइनिंग देते हैं। और दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंट वाइट होता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, टोटल ट्रांसपेरेंट होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पूरी लाइट आर पार होती है। बेसिकली हम गलती कहाँ करते हैं फ्लोरिंग पे लगाने से, जो मिस्त्री होते हैं, अनट्रेंड बंदे होते हैं, तो इस पर ब्लैक सीमेंट से डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। पर इसका प्रोसेस ये होता है कि ब्लैक सीमेंट के बाद वाइट सीमेंट की 2 mm लेयर वाइट सीमेंट का छिड़काव करना चाहिए ताकि इसका बेस वाइट हो सके। अगर हम वाइट बेस सीमेंट से लगाएंगे तो उसका बेस वाइट निखर के आएगा, फ्लोरिंग में वाइट दिखेगा। कई कस्टमरों के सवाल होते हैं, भैया मैंने वाइट तो लेके गया पर वो लगने के बाद डार्क हो रहा है। पर उसका रीज़न यही होता है कि डायरेक्टली हम ब्लैक सीमेंट से अप्लाई कर देते हैं तो उसका बेस डार्क हो जाता है। पॉलिशिंग के बाद वो डार्क बेस वाला माल आपके सामने आता है। कोई भी वाइट बिना ट्रांसपेरेंट का नहीं होता है। वाइट पत्थर लगाने से पहले वाइट सीमेंट का उपयोग ज़रूर करें। और दूसरी बात क्या है कि इसके साथ बॉर्डर लगाते हैं हम, बेसिकली ब्लैक लगाते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए, कि बॉर्डर कॉन्ट्रास्ट बढ़िया लगे। ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है, जो हम देखते हैं अधिकतर रूम में ब्लैक बॉर्डर का यूज करते हैं। ये भी हमारे पास अवेलेबल है और लाखा रेड भी लगाते हैं, इसके साथ ब्रास लगाते हैं, डिजाइनिंग डालते हैं, ऑल ओवर चीज अवेलेबल है स्टोन वाला पे। और 100% फ्रेशनेस आएगी वाइट में, कोई क्रैकिंग नहीं आएगी। क्रैकिंग आती तो रिफंड है माल, पूरा रिटर्न कर लेंगे हम। जैसा कि आपको ये जानकारी बताई अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।